हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि कितनी तकलीफ़ से हम वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं। शायद ये बात आप लोगों को बहुत आसान लगता होगा, लेकिन जितना आसान लग रहा है, लगता होगा जितना आसान, उतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। बारीकी से आज हम बताएंगे आपको कि वीडियोस बनाने में और अपलोड करने में हमको क्या क्या परेशानी और मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा सब सब लोग। चलिए शुरू करते हैं। बात यह है कि वीडियो तो ठीक है, घर का ऐसा माहौल होने के बाद भी शूट, तो अभी वीडियो बनाने की बात ही कर रहे थे तब तक मेरा बेटा आके डिस्टर्ब कर देता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो बात यह है कि वीडियोस तो शूट जैसे तैसे कर लेते हैं, वो भी घर का ऐसा माहौल, तो वो भी घर का ऐसा माहौल होने के बावजूद भी वीडियोस जो है जैसे तैसे तो शूट कर लेते हैं। लेकिन शूट क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी हिम्मत तो रखा है मैंने कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो डालना है, अपडेट देते रहना है। बिट्टू जी, मेरे हस्बैंड क्या कहें, पता नहीं वो बिट्टू जी भी कहने लायक हैं कि नहीं। ये तो मेरा बड़कपन है कि हम उनको जी या बिट्टू या कुछ भी बोलते हैं, नहीं तो मेरे लेवल, मेरे स्टैंडर्ड के तो नहीं है वो, जैसा उनका सोच है और जैसा मेरा सोच है। तो मई जून में जहाँ तक आप लोगों को पता है कि हम लोगों के बीच उनके जो कारनामे थे, वो हमको मई जून में ही पता चला था उनके कारनामों के बारे में। वो मई जून ही था जब हम हर एक सच्चाई अपने हस्बैंड के बारे में जान चुके थे, उनको पहचान चुके थे कि वो मेरे साथ कर क्या रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी। तो मई जून में ऐसा हुआ कि हम लोगों के बीच बहुत फासला आ गया था, क्योंकि उनकी इश्क मोहब्बत प्यार की चर्चाएं की बातें हमको मई जून जुलाई में ही पता चली थी। तो बहुत जोरों शोरों से उनको सुरूर चढ़ा था कि अरे फ्लर्ट से अच्छा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, वो जब न तब किसी को देखते भी कोई लड़की को तो बस फ्लर्ट की नज़र से ही देखते थे, इस कदर उनको जुनून चढ़ा था फ्लर्टिंग का। तो जब मुझे ये पता चला, चलिए तो मैं तो टूट ही गई, मेरी बात तो हटा ही दीजिए, लेकिन जब मैं उनसे सवाल करती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब सवाल पे सवाल करते ही जाती थी उनसे, तो उनका जवाब ना देना क्या बताऊं कि मैं, मेरा रिएक्शन उस समय क्या रहता था। अगर कोई जवाब ना दे आपको तो उसका मतलब हाँ होता है, अगर आप किसी से कोई सवाल पूछो और वो जवाब ना दे तो उसका मतलब पता है क्या होता है, हाँ होता है। तो गलती थी उनकी, जवाब नहीं दे पाते थे, जवाब देते भी थे तो हिचकिचाते थे, तोड़ मड़ोड़ के सोच के बोलते थे। जब कोई सोचता भी है ना, मतलब कोई बात आपको बना के कुछ बोलेगा तो वो ऐसे देखेगा, ऐसे तो सोच के बोलेगा कि अरे बोलना क्या है, उसकी आंख ऊपर हो जाएंगी, ऐसे ऐसे सोचेगा, तो वो समझिए कि वो झूठ बोल रहा है। तो मई जून में ऐसा ही कुछ हो रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि बिट्टू जी का फ़ोन जो है ख़राब हो गया, और मेरे पास दो फ़ोन थे, एक बच्चे यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते थे उस समय, एक बच्चे यूज़ करते थे, एक हम यूज़ करते थे। तो बिट्टू जी का फ़ोन ख़राब हो गया, वो उन्होंने दुकान में दे दिया फ़ोन को बनाने के लिए। अब हुआ यूँ कि मेरे पास दो फ़ोन थे, तो बोले कि चाने एक फ़ोन दे दो हमको, जब तक बनता नहीं है तब तक यूज़ करते हैं। तो मैंने पुराना वाला अपना फ़ोन बिट्टू जी को दे दिया। तो अब फ़ोन आपका है, उसका हर जो है चलाने का तरीका आप जानते हैं उससे बेहतर। फ़ोन चलाते चलाते पता चल जाता है ना कि अरे इसका कौन सा फंक्शन कहाँ है। तो बिट्टू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे फ़ोन में, लेकिन फिर भी फ़ोन तो रखना उनको ज़रूरी था, फ़ोन तो उनका जान है, ये तो कितनी सारी लड़कियों से ब्रेकअप हो जाता। तो ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया, बनने के लिए दे दिए, मेरा फ़ोन ले लिए, और हर ऐप इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ FB और ट्रू कॉलर भी नहीं कर रहे हैं कि चांदनी के पास किसी का फ़ोन आ जाएगा तो ट्रू कॉलर में सबसे पहले नाम शो करेगा, तो ट्रू कॉलर भी नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं।
FB किए, WhatsApp किए, क्योंकि ये दोनों ज़रूरी है बहुत ज़्यादा उनके लिए। तो WhatsApp में ऐसा होता है कि आप अगर रीस्टोर किसी का मैसेज करते हैं, तो पहले तो पता नहीं था हमको, लेकिन अब पता चल गया कि रीस्टोर करते हैं तो पुराना मैसेज पूरा आ जाता है। तो उस समय ऐसा हुआ कि बिट्टू जी ने यही गलती कर दी कि कभी अपना अकाउंट उन्होंने डिलीट नहीं किया, बस अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते थे। जब ज़रूरत पड़ता था तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते थे, और अनइंस्टॉल करके सिर्फ इंस्टॉल करने से आपका पुराना मैसेज पूरा वापस आ जाएगा। अगर कोई चाहता है कि उसका व्हाट्सएप का पूरा मैसेज डिलीट हो जाए, तो उसके लिए उसका अकाउंट डिलीट करना रहता है। सबसे पहले आप जिस नंबर से बनाए हैं उसके अकाउंट में जाइए और उस अकाउंट को सबसे पहले डिलीट कीजिए। उसके बाद कोई आपको मैसेज करेगा तो आपका नया मैसेज हो जाएगा, पुराना मैसेज सारा डिलीट हो जाएगा। तो बिट्टू जी ने कभी अपना अकाउंट डिलीट ही नहीं किया था, बस अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते थे, उनको ज़रूरत पड़ता था। तो मेरे फ़ोन में भी कुछ ऐसा ही किया उन्होंने, उनका फ़ोन तो ख़राब हो गया, अब मेरे फ़ोन में उन्होंने इंस्टॉल किया और कभी अपना अकाउंट डिलीट ही नहीं किया था उन्होंने। तो मैंने एक रात ऐसा था कि वो तो सो गए, अब हम सर्च करने लगे तो देखते हैं कि अरे यार व्हाट्सअप को रीस्टोर किया जाए। तो व्हाट्सअप को रीस्टोर किए, 2 साल 3 साल पहले का चैट, 3 साल नहीं 2 साल, क्योंकि ये सब कारनामा जो है साल 2 साल से ही चल रहा था, चैटिंग का और मैसेजिंग का सिलसिला। तो चैट तो सारा डिलीट था, क्योंकि चैट करते होंगे डिलीट कर देते होंगे, आधा आता है चैट आधा नहीं आता है। लेकिन कॉल्स जो आपको 2 बजे रात को 12 बजे रात को, वो सब तो टाइम डेट सब दिखाता है ना। तो देखे कि इतना सारा कॉल्स, बाप रे बाप। टाइमिंग देखो तो 11 बजे रात, 2 बजे रात। उस समय मेरा भी मत मारा गया था, उनको हम इस रूम में सुला देते। हम सोचते थे कि बच्चे लोग तंग करते हैं, हम भी नहीं सो पाते, बिट्टू भी नहीं सो पाएंगे तो पूरा दिन ख़राब चल जाएगा। तो चलो हम नहीं सोते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों को लेकर सो जाते हैं, तुम गेस्ट रूम में जाके सो जाओ बिट्टू। बिट्टू जी बस उसी बातों का बिट्टू जी ने फ़ायदा उठाया, और मैसेजिंग कॉल्स मैंने व्हाट्सएप पे देखी। अगर फ़ोन जो नंबर से कॉल होता है उससे कम बात करते थे किसी से, अगर करना भी होता ज़्यादा व्हाट्सअप कॉल करते थे। अगर आपको भी बता दूँ, अगर आपको इम्पोर्टेंट बात किसी से करना हो, बहुत गुप्त बात करना हो, तो आप व्हाट्सअप कॉल कीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल रिकॉर्ड नहीं होता है। तो बिट्टू जी भी वही करते थे, व्हाट्सअप कॉल करते थे और उसके बाद उस नंबर को डिलीट कर देते थे। लेकिन वो तो समझे नहीं कि अगर कभी भी भविष्य में रीस्टोर किया जाए तो सारा नंबर आ जाएगा। उसी रात को यही हुआ, रीस्टोर हम किए और सारा नंबर आ गया। तो रात को तो मेरी नींद गायब हो गई, सुबह उठे देखे कि अरे हम तो जगे हुए थे, और पूरी रात बिट्टू जी उठे और बोले कि क्या हुआ, सोई नहीं है क्या, आज भी कुछ पता चला क्या मेरे बारे में? तो मेरा रिएक्शन फेस का देख के तो उनको डर तो रोज़ लगता था कि अरे आज भी कुछ कुछ पता कर ली है। हम बोले कुछ नहीं, बोले नो रिएक्शन, कुछ नहीं। फिर वो अपना फ़ोन लिए, मतलब हम जो दिए थे उनको वही वाला फ़ोन, सब चेक करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट चेक करते हैं, क्योंकि हम कुछ भी हमको पता चलता है तो सीधा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लिए तो बोले इतना सारा नंबर, ये क्या स्क्रीनशॉट ली है? हम बोले कि देखो क्या लिए हैं, आग बबूला हो गई कि अरे ये तो रात सब जान गई, बीते सालों तक का बात जान गई। तो वहाँ से निकले गुस्से में बाहर, रूम से बाहर, फिर आते हैं 5 मिनट में, रोज़ रोज़ का ड्रामा लगा के रखी है, ये फ़ोन लिया तोड़ दिया, उनका फ़ोन ख़राब, मेरे हम अपना फ़ोन दिए वो फ़ोन तोड़ दिए तुरंत। हम बोले अच्छा ठीक है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, तोड़ो, कितना फ़ोन तोड़ दिया, तो हम तो पीछे पड़ ही गए। फिर हुआ ऐसा कि निकल गए फिर सुबह से ही घर से बाहर, शाम को आते हैं, रात को टॉपिक वही छिड़े, वही छिड़ा, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही बात। एक फ़ोन बचा था मेरा, नया वाला, पुराना तो तोड़ दिया और उनका फ़ोन तो बिगड़ा हुआ ही है। बात रुक ही नहीं रहा था, हम सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, वो जवाब डिंग डोंग दे रहे थे, उटक नाटक इधर उधर। तो एक फ़ोन बचा हुआ था, वो भी तोड़ दिया रात को। हम मन में तो खुश ही थे, चलो ठीक है, एक तुम्हारा फ़ोन ख़राब ही है, मेरा दो तो टूट ही गया। हमको क्या मतलब, हमको थोड़ी ना जान जा रहा है कि अरे अरे हमको चैटिंग करना ही है, नहीं वो सब मेरा दवाई है, अगर हम चैटिंग नहीं करेंगे तो हम जिएंगे। हमको ही सबसे मतलब, मेरा फ़ोन तोड़ दो या आग लगा दो कोई फ़र्क नहीं, हमको सिर्फ अपने घर में बात करना रहता है 2 4 दिन पे, हाल समाचार के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया रात को। तो सॉरी गाइस, फिर बच्चे आ गए थे,
अरे मैंने कहा ना वीडियोस बनाना बहुत टफ है मेरे लिए। हाँ तो हम कहाँ थे, फ़ोन मेरा टूट गया, दूसरा फ़ोन। अब गुस्से में वो रात रात तो हो ही गया था, वो गुस्से में गया छत पे, वहीं सोया हम रूम में बच्चों के साथ। तो सुबह हुई फिर जगे, अब तो कोई फ़ोन नहीं है, उनका फ़ोन बिगड़ा हुआ, मेरा दोनों फ़ोन तोड़ दिया उन्होंने अपनी वजह से, क्योंकि मैं उनका रोज़ कच्चा चिट्ठा निकाल देती थी इस वजह से। और उस समय मैं यूट्यूब पे नहीं थी, मतलब यूट्यूब पे थी, शॉर्ट्स वगैरह बहुत थोड़ा मोड़ा बनाती थी, ज़्यादा नहीं, रेगुलर नहीं थी यूट्यूब पे मई जून में, नहीं तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करती, लेकिन शायद नहीं भी कर पाती इनके डर से, क्योंकि मैं ये सारी बातें बोल देती तो मेरा यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर देते। अभी तो बहुत दिन हो गया, और होता ऐसा है कि मेरे पति को खुद से फुर्सत ही नहीं कि मेरा वीडियोस देखे, बस थंबनेल देखते हैं कि मेरे बारे में तो कुछ उल्टा सीधा नहीं ना लिखी है, और जैसा कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है उनको, तो मेरी वीडियोस पूरा बक बक क्या इसका बक बक सुनना। अरे जैसे कि वो मेरे साथ तो 24 घंटा रहते हैं, मेरे साथ तो वैसे ही बोर हो चुके हैं, तो मेरी वीडियोस भी नहीं देखते, इसलिए उनको पता नहीं चलता कि अंदर एक्चुअली है क्या, कौन सी बातें चल रही है। और इसी का हम थोड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पा रहे हैं। मेरी हंसी पे नहीं जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर इतना दुख भरा पड़ा है, किससे कहूँ, घर में भी कोई मेरा अपना नहीं है, जब पति ही अपना ना हो तो दूसरे क्या होंगे। आप लोगों से इसीलिए बातें शेयर कर रही हूँ ताकि मन कुछ हल्का हो जाए, और आप लोग सच्चाई जान लें कि हमारा रिश्ता कैसा है। अब है कि मेरे पति उठे सुबह में, 10 बजे तक सीधा गए दुकान, अपना फ़ोन ले आए बनवा कर। चलो उनका फ़ोन तो आ गया, बन गया। अब रही मेरी बातें, तो हमको कौन इतना क्या ज़रूरी है, वो भी मेरे हस्बैंड हम पे ध्यान दे रहे, क्या ज़रूरी है इसको फ़ोन का, मन में तो यही ना सोचते होंगे। लगता तो नहीं था कि उनको थोड़ा सा भी मतलब पछतावा है कि अरे हम चांदनी का दोनों फ़ोन तोड़ दिए, अब क्या होगा, अब कैसे खरीदा जाएगा, क्योंकि हम जो भी है, अभी जो भी हमारे बिजनेस से आमदनी होता है, उन सब के मालिक पापा हैं, बिट्टू नहीं है। बिट्टू बस काम करते हैं, काम से ही काम करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा बिट्टू भी नहीं रखते हैं, और ना ही मेरे लिए एक्स्ट्रा कुछ मांगते हैं। क्या मांगना कोई ख़राब बात है कि मुझे चांदनी के लिए ये चीज़ लेना है, क्या उनके पापा नहीं देंगे, नहीं देंगे तो ये दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि बिट्टू मेरे लिए कुछ मांगते ही नहीं है, और हम बिट्टू से अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि मांगने से जो चीज़ मिलेगा वैसा हस्बैंड हमको नहीं चाहिए। हस्बैंड तो वैसा होना चाहिए जो शक्ल देख के जान जाए कि किस चीज़ की ज़रूरत है। हम बहुत ही स्वाभिमानी हैं बिट्टू जी उनकी फैमिली से, हमको नहीं लगता कि हम आज तक कुछ भी मांगे हैं, भले ही जोड़ जाड़ के कोई कुछ झूठ मूठ का कह दे, इसका सब हो रहा है, इसका सब खर्चा चल रहा है, ऐसी कोई बातें नहीं। जो नेल पेंट भी हम लगाए हैं ना, मेरी सासू माँ के रूम का है, उनका नेल पेंट है, तो हम उनके रूम में गए थे कल परसों उनका पैर दबाने, तो देखे नेल पेंट रखा हुआ है, तो हम इसको लगा दिए। ऐसा नहीं, बिट्टू जी हमको नेल पेंट भी ला के नहीं देते, मतलब एक नेल पेंट तक ना नहीं ला के देते हैं, तो वो क्या हमको देंगे। और पहली बात, हम उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं किए हैं इस ज़िंदगी में, तो नहीं किए हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखे हैं कैसे आदमी को खुद के लिए जीना चाहिए जैसे वो खुद के लिए जीते हैं। ज़रूरत तो हमको बहुत चीज़ का है, लेकिन किससे कहें, बेकार है ये सब सोचना। अब तो फ़ोन टूट गया, उनका फ़ोन भी आ गया, बिट्टू जी दिन भर अपना फ़ोन देखते हैं, इंजॉय करते हैं, मैसेजिंग, चैटिंग, वीडियोस, मूवीज़, सब एकदम इंजॉय करते, दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं। 1 महीना बीत गया, बच्चे मेरे रोते थे, मम्मी फ़ोन दो ना, मम्मी गेम खेलना है, मम्मी फ़ोन चाहिए, हम बोलते थे जाओ डैडी से मांगो, डैडी उनको भगा देते थे, जाओ मेरे पास नहीं है। और 1 महीना, 2 महीना तक, 2 महीना, 2.5 महीने लगभग इंजॉय करते रहे, और 1 महीना, 2 महीना हम उनसे सीधा मुंह बात नहीं किए, कौन से मुंह से बात करें, हमको तो अभी भी बात करने का मन नहीं करता। अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को वो कैसे आराम कर रहे हैं, और मैं सारा काम करके अपना फिनिश अपने लिए टाइम निकाल के और वीडियोस बना रही हूँ। तो एकदम इंजॉय करते अपना फ़ोन से, चलो ठीक है, 1-2.5 महीना बीत गया, देखे वो कि चांदनी को फ़ोन का ज़रूरत है, क्योंकि आज के डेट में फ़ोन ही आपका हाथ पैर सब कुछ है, और मेरे तो हाथ पैर सब बंद कर दिए। फिर 2.5 महीना बाद हमको एक फ़ोन ला के देते हैं जिससे हम अभी वीडियो बना रहे हैं, तो हम ले लिए।
क्योंकि ना हम फोड़ने के टाइम में कुछ बोले थे और ना ही लेने के टाइम में, तो ठीक है ले लिए फ़ोन, उसी से शॉर्ट्स वगैरह बनाना चालू किए। और मेरे पास फ़ोन रहने ना रहने का ज़्यादा कुछ बात नहीं है, क्योंकि मतलब कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ एक चीज़ से हमको, जो हम वीडियोस बनाते हैं और हमको मन लगता है बनाने में, क्योंकि हमको लगता है ये मेरी अलग दुनिया है, वीडियोस सोशल मीडिया ये मेरी अलग दुनिया हो गई, घर के दुनिया से मेरे हस्बैंड की दुनिया से मेरी अलग दुनिया एक आप लोग हो, आप मेरी फैमिली हो, जिसे हम अपनी सारी बातें खुलकर शेयर कर सकते हैं। तो 2.5-3 महीने बाद फिर हमको फ़ोन दिए और हम अपना शॉर्ट्स चालू किए बनाना, क्योंकि फ़ोन अच्छा खासा है, ठीक है, थोड़ा महंगा भी है, वीवो का है, ऐसे लेना था हमको वन प्लस, लेकिन वीवो का ही ला दिया, शायद उनके बजट में उस समय नहीं होगा, कोई बात नहीं, फ़ोन तो आ गया ना कम से कम। तो ये तो रही फ़ोन की बात, लेकिन 2.5-3 महीने इतना तरसे हम, मेरे बच्चे सब लोग देख के, और ये पूरा इन्जॉय करते थे। आपको पता है बात है वीडियोज़ बनाने की, अपलोड करने की, हाँ तो बात शुरू में मैंने बोला था वीडियोज़ बनाने की और अपलोड करने की। पता है आपको मेरा फ़ोन तो ठीक है, लेकिन मेरा सिम, मेरा नंबर रिचार्ज भी नहीं रहता। अभी लगभग 3रा महीना चल रहा है मेरा रिचार्ज ख़त्म हुए, अब मेरा सिम भी बंद होगा, मेरा सिम तक रिचार्ज नहीं रहता है। कैसे मैं काम चलाती हूँ, कैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, कितना कष्ट से, इतने गंदे माहौल में रहने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, हिम्मत नहीं हारती और वीडियोस अपलोड करती हूँ विदाउट रिचार्ज। मेरा फ़ोन कभी रिचार्ज नहीं रहता। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, ये सब तोहफा है उनका, जो हमको रोज़ देते हैं, हर महीने देते हैं, ये सब तोहफा ही तो है। उनका दोनों सिम रिचार्ज है, मेरा फ़ोन तक रिचार्ज नहीं, एक ही सिम है मेरे पास, क्योंकि हम गलत नहीं ना हैं, चार्जर सिम रख के हम क्या करेंगे, वो भी रिचार्ज नहीं है। मेरे घर वाईफाई है, लेकिन सुनिएगा रुकिएगा, मेरे घर वाईफाई है लेकिन वाईफाई भी रिचार्ज नहीं रहता। अब आप सोचेंगे कि हम, मेरा फ़ोन भी रिचार्ज नहीं, मतलब नंबर भी नहीं, वाईफाई भी नहीं, तो कैसे हम वीडियोस अपलोड करते हैं। मेरे घर के पीछे एक मार्ट है, दुकान, उसमें वाईफाई लगा हुआ है, बहुत ही मतलब कुछ जरिया ही नहीं मिलता हमको, अपने पति का फ़ोन तो जब तक वो जगह है तब तक हम छू नहीं सकते उनका फ़ोन, उनके सोने के बाद ही अपना दिमाग, तीसरा छठा दिमाग लगाते हैं, लेकिन जब तक वो सो रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन वो सोते तो रात को ही है, ज़्यादा दिन को भी सोते हैं, और बच्चों को फुर्सत ही नहीं उनके फ़ोन से, उनके फ़ोन से हम डेटा भी नहीं ले सकते हैं, उसके के लिए भी लड़ाई करने लगते हैं कि मेरा पूरा नेट ख़त्म कर दी, ये ख़त्म कर दी, तो क्या यूज़ में, ना उनके फ़ोन से हम कहीं बात करते हैं, बस हम उनका फ़ोन चेक करते हैं जब मौका मिले तब। तो मेरे घर के पीछे एक दुकान है, रिश्ते में दूर मेरे देवर ही लगते हैं, दूर के मेरे गाँव के, तो हम बोले उनको कि हमको पासवर्ड चाहिए, तो बस मेरा बिहेव, मेरे भी अच्छा बोल सकते हैं उसको, मेरा बिहेव मेरे ससुराल वालों के प्रति, जो गांव के हैं उनको मेरा बिहेव बहुत पसंद आता है, किसी को कुछ कह दो ना कहता है कि अरे ज़रूर क्यों नहीं, तो उनको बोला कि हमको पासवर्ड चाहिए, तो वो बोले कि हाँ ठीक है दे देते हैं, बस उन्होंने अपना पासवर्ड दिया, उसी से मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, क्योंकि मेरा ना फ़ोन रिचार्ज है ना वाईफाई रिचार्ज रहता है, कभी कभी 2-4-5 महीने में वाईफाई रिचार्ज हो जाता है एक महीने के लिए, तो इन्जॉय करते हैं, लेकिन फिर ख़त्म, एक महीना ख़त्म और सब कुछ ख़त्म, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ वो जो बगल वाले हैं मार्ट वाले, उनके वाईफाई से बहुत फ़ायदा हुआ हमको, उन्हीं के बदौलत वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं और आप लोगों तक मेरा वीडियोज़ पहुँच पाता है, इतनी तकलीफ़ से वीडियोज़ बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। तो गाइस ये है मेरा वाईफाई जो कभी रिचार्ज नहीं रहता, पापा सो रहे हैं क्योंकि सबको यहाँ आराम करना है, बिट्टू जी भी सो रहे हैं, रियांश को खाना चाहिए, आज छुट्टी है इसका, और यहाँ पे बैठकर मोबाइल को यहाँ रखकर ऐसे हम वीडियोस बनाते नहीं अपलोड करते हैं, यहाँ हम बैठ जाते हैं, ये खिड़की है, यहाँ मोबाइल रख देते हैं, और वहाँ दुकान है, ये वो देखिए, वहाँ से मेरा जो है वाईफाई का कनेक्शन आता है, इतना कष्ट से वीडियोस बनाते हैं।
तो ब्लॉग को एंड करते हैं और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। सोचा मैंने कि आपसे फिर थोड़ी सी दिल की बातों को शेयर किया जाए, और आपके कमेंट पढ़ने में हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसा लगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।